हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं TP4056। ये एक चार्जिंग मॉड्यूल है, इसे मैंने robu.in से परचेस किया है। तो चलिए करते हैं इसे फटाफट अनबॉक्स। दोस्तों, इसके लगभग मैंने 6 पीसेस ऑर्डर किए हैं। एक्चुअली मेरे पास काफ़ी लियान बैटरीज हैं, सो उन्हीं के लिए स्पेशली मैंने इन्हें परचेस किया है। तो चलिए बॉक्स के अंदर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इनवॉइस देखने को मिलता है। मुझे टोटल अमाउंट पे करनी पड़ी है 223 रुपीज़, इंक्लूडिंग शिपिंग आल्सो। दोस्तों, यहाँ पे एक बात और बता दूँ, इस चार्जर मॉड्यूल की प्राइस जो है 29 रुपीज़ है। चलिए अब चार्जिंग मॉड्यूल देख लेते हैं। ये बबल रैप के साथ एक नॉर्मल प्लास्टिक रैपर के अंदर है, सभी इंडिविजुअली आप देख सकते हो। कुछ बारकोड भी हैं इनके ऊपर। तो अभी हम एक चार्जिंग मॉड्यूल को रैपर से निकाल कर टेस्ट करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये चार्जिंग मॉड्यूल काफ़ी कॉम्पैक्ट है। जहाँ भी पॉजिटिव और बी नेगेटिव टर्मिनल है, वहाँ पे आपको बैटरीज कनेक्ट करनी है, और आप यहीं सर्किट से आउटपुट वोल्टेज भी ले सकते हो, पॉजिटिव आउटपुट नेगेटिव आउटपुट। यहाँ पे मैं चार्जर यूज़ करने वाला हूँ, मोबाइल चार्जर। इनपुट वोल्टेज के लिए 1 एम्प 5 वोल्ट DC। देख सकते हो आप, मैंने कुछ इस प्रकार चार्जिंग मॉड्यूल को बैटरीज कनेक्ट कर ली हैं। यहाँ पे मैंने जम्पर वायर यूज़ किया, बट आप ठीक वायर यूज़ कर सकते हो कोई भी। जैसे ही मैं यहाँ पे चार्जर कनेक्ट करता हूँ, रेड लाइट इंडिकेट हो रहा है, देख सकते हो आप। इट्स मीन्स ये चार्ज हो रहा है बैटरी। जैसे यहाँ पे फुली चार्ज हो जाएंगे, यहाँ पे ब्लू लाइट इंडिकेट होगा, इट्स मीन्स बैटरी फुली चार्ज। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लू लाइट शो हो रहा है, इट मीन्स ये चार्ज हो रहा है, अभी फुल्ली चार्ज हो चुका है। लगभग चार्ज होने में इसने कम्प्लीट 4 आवर्स लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। शुरुआत में ये थोड़ा चार्जिंग मॉड्यूल हीट हुआ, बट जैसे जैसे बैटरी चार्ज होते गया, वैसे वैसे इसका टेम्परेचर कम होते गया, और चार्जर नॉर्मल स्टेबल ही रहा। तो काफ़ी बढ़िया है, ये वैल्यू फॉर मनी है। आप कोई भी रिचार्जेबल बैटरीज के लिए चार्जिंग मॉड्यूल यूज़ कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो, अब ब्लू लाइट कंप्लीट सॉलिड हो चुका है, इट्स मीन ये चार्ज हो चुका है। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।